परम पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर वंदन अभिनंदन। एक जोरदार ताली से महाराज जी का स्वागत होने के चाहिए। काल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, कुछ महाराज जी के संगठन के आशीर्वाद से हमके दोबारा गोरखपुर गोरक्षनाथ बाबा की धरती में खड़ाऊ लेके सेवा करे का मौका दोबारा मिला था। आभार महाराज जी, दिल से धन्यवाद। और देवदूत जनता के धन्यवाद कि जब भी सर्वे के लोग आपके पास आए, चैनल वाले आए, संगठन के लोग आए, तो पूरा गोरखपुर में जहां भी सर्वे भई सब कहले श्री रवि किशन चाहिए हमको। दोबारा उसके लिए आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद प्रणाम। ये मौका हमके दोबारा देला और ये मौका में हम कोनो कसर ना छोड़ब, अपन मेहनत और बढ़ा देंगे हम। भाई सेवा करे के बाना युवा लोग आया है सब पूरा। कितने युवा लोग है यहाँ? अरे बाप रे, कुल युवा है। ओहो, मेयर साहब से कहते रहे ना, हम युवा है। तो हमारे मांगे श्रीवास्तव जी माननीय महापौर, उनके स्वागत बा। माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी के स्वागत बा। माननीय विधायक सजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी के स्वागत बा। श्री दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, आपका सर यो मोस्ट वेलकम यो। श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, आपके स्वागत बा। श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, आपके स्वागत बा। श्री ज्योति प्रकाश मस्करा जी सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, आपके स्वागत बा। ज्योति प्रकाश मस्करा जी इज अ वेरी ग्रेट मैन, बड़ा मदद करना, बहुत ही लोगों को रोजगार देते हैं कि बहुत बड़ी मिल है, बहुत पुरानी मिल है सहजनवा में, आपका स्वागत है। तो युवा आज ही राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, जहां पर हमारे आप लोगों के एक बार बताएं, यहां पर मंच पे दो लोग बैठे हैं और ये दो लोग अपने जीवन में बहुत बड़े व्यक्ति बने और आज ये मंच पर पूज्य महाराज जी के सानिध्य में बैठे हैं। वो लोग यही के छात्र हैं और वो हैं माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, हमारे महानगर के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी। दोनों एक बार खड़े हो जाएं और ये आप लोग ये कि आप लोग यहीं से पढ़े हैं, वाह, आप ही नहीं, अरे मेयर साहब भी यहीं से पढ़े हैं। तो तीन लोग भाई, ये स्कूल में कौन टाइप का पढ़ाई होता, आदमी इतना बड़ा आदमी बन जाता है। यहाँ के गुरुजन लोग के प्रिंसिपल को डेफिनेटली आई वांट टू थैंक देम। यस, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है युवाओं को आगे बढ़ाना, पूज्य महाराज जी उसी सपने को लेकर जैसे गोरखपीठ एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए जानी गई, आज से नहीं, दिग्विजय नाथ महाराज जी से पीठ ही, इस पीठ का कार्य यही था कि एजुकेशन को, अध्यात्म को आगे ले जाना। ये पीठ बहुत ही गौर से आपको इसके हिस्ट्री के बारे में जानेगा। यह आंदोलन के लिए, राम मंदिर के लिए इस पीठ का सबसे बड़ा आंदोलन रहा बड़े महाराज जी। एजुकेशन महाराज जी, चूंकि महाराज जी खुद साइंस ग्रेजुएट है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ये महाराज जी जानते हैं, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं। और देश में, पूरे विश्व में आप लोगों को कम पता होगा या पता भी होगा, 65% पूरे विश्व में सबसे यंगेस्ट कंट्री इंडिया है। 65% की आबादी यूपी में है युवाओं की। आज उसी के लिए के महाराज जी अलंकार योजना लेके आए। ये अलंकार योजना में मोर देन 600 करोड़ का सौगात
सिर्फ युवाओं के लिए, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, वो जर्जर स्कूल के लिए, आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए। आज इस भव्य मंच, इस मचान के नीचे 5 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन और टैबलेट बांटा जाएगा, 5 करोड़ रुपए। वो इसलिए कि बैठ के हमारा पिक्चर मत देखिए, नहीं, आज का युवा अपने आप को बहुत बर्न कर रहा है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप लोग बहुत बर्न कर देते हो, प्लीज मत करिए। आपका 3-3, 4-4, 6-6 घंटा सिर्फ रील्स पे जा रहा है ना, बताओ हाथ उठा के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सोचो, आप लोग अपने ब्रेन की एनर्जी को बर्न कर रहे हैं। पढ़ने के लिए आपको ये दिया जा रहा है, अपग्रेड योरसेल्फ, यू शुड बी कॉम्पिटेटिव। कि अमेरिका में रहे या तो ऑक्सफोर्ड के, नहीं, आज आपके स्कूल के बच्चे मेयर हैं, विधायक हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ लॉयर बनेंगे, कुछ इंडस्ट्री चलाएंगे, कुछ एक्टर बनेंगे, कुछ बिजनेस में जाएंगे, कुछ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री करेंगे, देश की सेवा करेंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे, अपने पास स्किल ले आएंगे, बेटियां भी यहां बैठी, नारी सशक्तिकरण। सो ये स्मार्टफोन टैबलेट महाराज जी बहुत क्लियर विजन के साथ दे रहे हैं आप लोग को। यू मस्ट नो कि क्यों सरकार, क्यों पूज्य महाराज जी लगातार टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। महाराज जी इसको और डिटेल में बताएंगे कि आज तक कितने बटे हैं, बिकॉज पूरे 25 करोड़ की आबादी के युवाओं का ध्यान दे रहे हैं महाराज जी। 25 करोड़ अपने आप में एक देश है उत्तर प्रदेश, उसके एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग करना, गोरखपुर स्ट्रांग रहेगा। व्हाट वी डोंट हैव, अभी सैनिक यहां पे विद्यालय बन रहा है, यू नो, आयुष महाविद्यालय बन रहा है, आयुष का यूनानी से लेके ऊपर 300 करोड़ में सैनिक विद्यालय, आप देखोगे लगेगा कोई 7-स्टार होटल है। एजुकेशन के लिए, हमारे गरीब बच्चों के, मजदूर के बच्चों के लिए भी आप लोगों को नहीं पता होगा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी दिन पूज्य महाराज जी से कहा होगा कोई सी चर्चा में, महाराज जी ने 18 अटल आवास विद्यालय बनाया, जहां मजदूर का बेटा जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ेगा। सहजनवाल रेडी है, 1000 kids can go and study without paying any single rupee, not for their clothes, not for their books, not anything. कि मजदूर का बेटा अब मजदूर ना बनी हो, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ये सोच है डबल इंजन सरकार की, ये सोच है जहां पिछली सरकार के बारे में आप लोग को पता, आप लोग युवा हो, आप लोग मोबाइल चलाओगे, फेसबुक पे लिखोगे ये चीजों का, आज मेरी वीडियो बना रहे हो, महाराज जी के भाषण को वायरल करोगे, शाम तक वायरल होता है। युवा एक बहुत बड़ी ताकत है। और बताओ कि 2017 के पहले, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोग पहली बार वोट करेंगे, कितने फर्स्ट टाइम वोटर है यहां हाथ उठा के बताओ, बड़ी संख्या। और आप लोग को पता है वोट किसको करना है, पता है कि नहीं, किसको वोट करना है? विकास को वोट करना है। किसको वोट करना है? जिसने भ्रष्टाचार को खत्म किया। किसको वोट करना है? जिसने माफियाओं पर, अन्यायी अत्याचारी दुराचारियों पर बुलडोजर चलाया, जिसने बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा की। आज हमारी बहन, आज बेटियां खुश है कि नहीं बताओ, सुरक्षित है कि नहीं हाथ उठा के बताओ, बेटियां सुरक्षित हैं? ये होता है राम राज्य, या प्रभु राम 500 साल की लड़ाई के बाद अनगिनत गोलियां मारी गई हमारे कार सेवकों पर, साधु संतों पर, इसी गोरखपीठ से आंदोलन हुआ, और आज प्रभु राम अपने महल में गए, इसी गोरखपुर में रोज गोलियां चलती थी, व्यापारियों पर अत्याचार होते थे, रंगदारी वसूल की जाती थी, हत्या होती थी, बहन बेटियां 5 बजे के बाद शाम को निकलती नहीं थी इसी गोरखपुर में। और अब स्कूटी पे देखता हूं बच्चों को, बेटियों को जाते हुए,
खुश हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, भविष्य तलाश कर रही हैं, आत्मनिर्भर भारत सशक्तिकरण विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए तैयार है बेटियां। इस टैबलेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। अब नाउ महाराज जी ने एक नई चीज लाई, क्योंकि महाराज जी को जाना जाता है $1 trillion 10 लाख करोड़ का निवेश कराने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। यह बच्चों आप लोग को जानना है कि आपका देश क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, महाराज जी की सोच क्या है, आप लोग को जानना बहुत जरूरी बेटा। आप लोग यही लिखोगे, यही पढ़ोगे, यही कि मैं उस उत्तर प्रदेश में, मैं उस गोरखपुर में पढ़ता हूं जहां पे मेरे मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जहां हमारी सरकार ऐसी। अब महाराज जी नई चीज आज लेके आए, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, इट्स कॉल्ड स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास। वी जस्ट हैव टू रीड, देयर इज अ पेंसिल। Everything in the world, all the education, economics, science, commerce, everything is there. Am I right? All three subjects, economics, science and commerce, एक टीवी पर, एक 12-56 inch का टीवी आएगा, टीचर आएंगे, पेंसिल पकड़ेंगे and he's going to draw everything. वो आपको पूरा स्मार्ट डिजिटली बताएंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो स्क्रीन पे दिख रहा है। इट बिकम सो इजी, पूरा वर्ल्ड कर रहा था, लंदन कर रहा है, यूरोप कर रहा है। तो महाराज जी ने कहा मेरा उत्तर प्रदेश, मेरे बच्चे, मेरे युवा, मेरी बेटियां क्यों पीछे रह जाएं? तो आज 31 स्कूल वी आर गिविंग, 330 क्लासरूम वी आर गिविंग, 330 क्लास में ये 56 इंच का टीवी आएगा और डिजिटली अब हमारे गोरखपुर के बच्चे पढ़ेंगे। ये आज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक यहां पर सैंपल है, आप अपग्रेड होइए। जर्जर स्कूल आज बनने शुरू हो जाएंगे, 600 करोड़ की अलंकार योजना है जो धरती पर अभी महाराज जी तुरंत लॉन्च करेंगे एक बटन दबा। तो बच्चों भविष्य आपका उज्ज्वल है, प्लीज रीड रील्स, इंस्टाग्राम से थोड़ा बचें, आधा घंटा देखें, 15 मिनट देखें, मेरी फिल्मों को 20 मिनट देखें, लेकिन पढ़ें, अपन भविष्य बना। हम तो सरकारी स्कूल में, हमारे पास पैसा नहीं था, मैं बहुत गरीब था, मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं था, तो मैं एक सरकारी स्कूल, हम आधा तो पेड़ के नीचे पढ़े, 2-3 कक्षा, फिर मेरी आधी क्लास तो ऐसी थी जिसमें बेंचे नहीं था, ऐसे लगता था दीवार थी वो गिरने वाली थी, उसमें हम पढ़े, बड़ा मेहनत किए। आप लोग बड़े भाग्यशाली, आपको ऐसे पूछे महाराज जी मुख्यमंत्री मिले, एक बार जोरदार ताली अपने महाराज जी को। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं महाराज जी, मैं बहुत भाग्य, मैं 5 साल में बहुत कुछ सीखा हूं, मेरा जीवन बदल गया। मैं 5 साल पहले का व्यक्ति अलग था, सुपरस्टार था मेरी जिंदगी, आप लोगों को पता ही है, लेकिन अब मैं 5 साल में अलग आदमी हो गया। दोनों हाथ उठाओ सब, दोनों हाथ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। एवं स्पष्टवादिता के साथ इस ओजपूर्ण उद्बोधन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने कर कमलों से चयनित लाभार्थियों को टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरित करें। इसके सर्वप्रथम मंच पर श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ के शुभम मिश्र जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने टैबलेट को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट कुमारी सरस्वती मौर्य श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर की छात्रा। नेक्स्ट राहुल कुमार जी सन ऑफ श्री राकेश निषाद दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर के छात्र। नेक्स्ट सौम्या पांडे जी डॉटर ऑफ श्री प्रणव कुमार पांडे
फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस। नेक्स्ट आलोक कुमार गौतम जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से टैबलेट प्राप्त करते हुए। अनामिका सिंह जी, डॉटर ऑफ श्री अरुण कुमार सिंह जी। सुकन्या यादव जी, श्री रवि कुमार यादव जी। नेक्स्ट अर्चना यादव जी। नेक्स्ट कुमारी मधु भट्ट, गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अर्पणा प्रजापति, डॉटर ऑफ श्री राम प्रजापति, महंत अवैधनाथ पैरा मेडिकल कॉलेज। शगुन सिंह जी, डॉटर ऑफ श्री गिरजय सिंह जी, महंत अवैधनाथ पैरा मेडिकल कॉलेज। रोहित कुमार वर्मा जी, सन ऑफ श्री संतोष जी, राजेश कुमार सिंह। मुकेश गुप्ता जी, पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रज्ञा सिंह जी। नेक्स्ट प्रीति शुक्ला जी, दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर की छात्रा। नेक्स्ट अमन रेखा यादव जी, अपने स्मार्टफोन को प्राप्त करते हुए श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ से। प्रिया एस, डॉटर ऑफ श्री संग्राम सैनिक, एमपी गुप्ता पीजी कॉलेज। हर्ष जायसवाल जी, मारवाड़ बिजनेस स्कूल नसीराबाद। नेक्स्ट चांदनी सिद्दीकी, डॉटर ऑफ श्री मुख्तार अली जी। नेक्स्ट विशाल यादव जी, सन ऑफ श्री सत्यप्रकाश जी। रूपाली कुमारी जी, डॉटर ऑफ श्री विनोद पांडे। सचिन यादव जी, साक्षी त्रिपाठी जी, उमा शंकर जी। और नेक्स्ट आरोही श्रीवास्तव जी, श्री गुरु गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र। और इस श्रृंखला में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से प्रधानाचार्य परमादरणीय श्री समर बहादुर सिंह जी को कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रीमियम स्मार्ट क्लास के रूप में अपना प्रमाण पत्र तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के परमादरणीय श्री समर बहादुर सिंह जी प्रधानाचार्य जी को प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से। नेक्स्ट महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज गोरखपुर के आदरणीय प्रधानाचार्य श्री ओपी सिंह जी को उनके विद्यालय के लिए प्रमाण पत्र। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे एमएसआई इंटर कॉलेज गोरखपुर के आदरणीय प्रधानाचार्य मोहम्मद जफर अहमद जी को। नेक्स्ट महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर से श्री अरुण कुमार सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वह व्यक्तित्व जिससे कुछ मांगना नहीं पड़ता सदैव ही मिल जाता है, आज एक बार पुनः विभिन्न प्रकार की सौगातों से छात्र छात्राओं को अभिसंचित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से स्मार्ट क्लास एवं प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का बटन दबा करके लोकार्पण एवं शिलान्यास आप सभी करते ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 1,735 लाख रुपए के मल्टीपर्पज हॉल एवं अन्य 7.58 करोड़ रुपए के स्मार्ट क्लासेस, 330 स्मार्ट क्लासों का और साथ ही विभिन्न छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपादित होता हुआ सादर धन्यवाद महोदय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह महनीय व्यक्तित्व जिनकी प्रेरणा जिनका मार्गदर्शन समस्त छात्र छात्राओं को अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शुभाशीष हेतु करबद्ध निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश की छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य से जुड़े हुए तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी,
महापौर डॉक्टर मंगली श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री बिपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, जिलाध्यक्ष विलिष्कर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, श्री ज्योति प्रकाश मस्करा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्यगण, वर्चुअली जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्यारे छात्र छात्राओं, आज एक साथ तीन बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अभी मंच पर आपने देखा होगा कुछ छात्रों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हुआ। इसके साथ ही गोरखपुर के 330 स्मार्ट क्लासेज को शुभारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र वितरण का भी एक कार्यक्रम है, और प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेजेज में या सरकार के द्वारा अनुदानित अशासकीय इंटर कॉलेजेज में भवन निर्माण के लिए सरकार के अनुदान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक नया अभियान है। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रदेश भर के हमारे सभी जो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है, उसके भी प्रधानाचार्य और वहां के छात्र छात्राएं भी होंगी। इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों छात्र छात्राओं को जो इस अभियान से लाभान्वित होने वाले हैं, विद्यालयों को, उनके शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तीन प्रकार के जो कार्यक्रम है, जिसमें पहला मैंने बताया कि टैबलेट और स्मार्टफोन, 2021 में नवंबर 2021 में हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था। इसके पीछे का उद्देश्य था कि हम प्रदेश की अपनी युवा शक्ति को डिजिटली सक्षम बना सके। किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खासतौर पर जो चुनौती हमारे सामने आती है, वह चुनौती होती है जैसे इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी कोरोना। कोरोना में स्कूल कॉलेज बंद हो गए, ठप हो गए, पठन पाठन बंद सा हो गया। उन स्थितियों में कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं? तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया था कि अगर फिजिकली प्रेजेंस होना कठिन है तो हम लोग तकनीक का उपयोग करें, वर्चुअली। लेकिन इसके लिए भी दो चीजें महत्वपूर्ण थी। एक, अगर विद्यालय से वर्चुअली क्लास लेनी है तो उनके पास स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, और दूसरा, वहां पर इंटरनेट की सुविधा के साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करें कि जिसको घर में बैठे बैठे इस सुविधा का लाभ लेना है उसके पास टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा हो।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। आप इसमें देखेंगे आपके टैबलेट स्मार्टफोन में केंद्र और राज्य सरकार की, युवाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की, छात्रों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को उसमें जोड़ा गया है। आप अगर उस स्मार्टफोन और टैबलेट को देखेंगे तो उसके माध्यम से आपको केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगे और उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार करके स्वावलंबन के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो एक टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का एक कार्यक्रम, इसमें हमें 2 करोड़ युवाओं को इस योजना के साथ जोड़ना है और यूपी को डिजिटल इंडिया मिशन के साथ देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और इसके लिए इस बड़े कार्यक्रम में आज मुझे गोरखपुर में इतने युवा विद्यार्थियों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्हें टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त हुआ है, उन सबको मेरी बधाई। जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ है वे इंतजार करें, उनको भी इस योजना का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके लिए मैं अभी से उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा है स्मार्ट क्लास का। आपने देखा होगा 141 विद्यालयों के 330 क्लासरूम में आज एक साथ स्मार्ट क्लास की स्थापना का कार्यक्रम भी सीएसआर निधि से पैसा दिला रहे हैं। हर विद्यालय में 2-2 ऐसी क्लासरूम होंगी जिस क्लासरूम में हम लोग विद्यार्थियों को इसके माध्यम से जोड़ देंगे और इसका उपयोग तो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर संस्थाएं चाहेंगी तो उस स्मार्ट क्लास के साथ डिजिटल लाइब्रेरी को जोड़ सकते हैं, अच्छे कंटेंट को जोड़ करके, अच्छा उस पाठ्यक्रम किसी भी पाठ्यक्रम से जुड़े हुए अच्छे कंटेंट को जोड़ देंगे तो विद्यार्थी उससे बहुत लाभ ले सकते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को, शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजेस को और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी इस सुविधा से जोड़ने का कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए अब अगर स्मार्ट क्लास हो, टैबलेट और स्मार्टफोन हो, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब कोरोना जैसी महामारी भी आपके पठन पाठन को बाधित नहीं कर पाएगी, उसका मुकाबला आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन याद रखना, एक टैबलेट और स्मार्टफोन रवि किशन की फिल्म को देखने के लिए नहीं है, ये विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के कंटेंट को देखने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए और अन्य कार्यक्रमों के साथ। कितने लोगों ने किसान की फिल्म देखी है? उनको देख के मत खड़ा करना था, वैसे बताओ। ठीक है, लेकिन ये इस फोन का उपयोग आप अपने पाठ्यक्रम में, अपने आप को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने में, केंद्र की उन तमाम योजनाओं में, क्या है पीएम स्टार्टअप की योजना, क्या है पीएम स्टैंडअप की योजना, क्या है पीएम मुद्रा की योजना, क्या है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना क्या है, अब मुख्यमंत्री अभ्युदय की योजना क्या है, इन सभी योजनाओं की जानकारी लेने में आपको ये टैबलेट और स्मार्टफोन योगदान देगा।
उसमें ये पाठ्यक्रम उसके साथ एक प्रोग्राम, उसके प्रोग्राम के साथ सब जो उस एप्लीकेशन का पार्ट होगा, आप इसको देखेंगे, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका टैबलेट स्मार्टफोन ही सुविधा का लाभ आपको उपलब्ध करवा देगा। और मुझे लगता है कि आपको इसको बेहतर तरीके से अपने आप को इसके माध्यम से अब न केवल स्मार्ट सिटी होगी बल्कि स्मार्ट युवा भी यूपी का होगा, यह योजना उसी दिशा में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। स्मार्ट क्लास और टैबलेट और स्मार्टफोन आपको स्मार्ट युवा के रूप में भी प्रस्तुत करेगा देश और दुनिया के सामने। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत आज इतने युवा विद्यार्थियों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्हें सुविधा प्राप्त हो रही है, उन सबको हृदय से बधाई, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस लग रही है वे लोग इसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि जो कंपनी लगा रही है वो कंपनी कुछ समय तक आपको सर्विस भी देगी, फ्री में सर्विस देगी, उनके लोग भी उसके साथ जुड़े होंगे। और अगर आप एक बार उसके साथ जुड़ जाएंगे, आपकी हिचक दूर हुई, तो आप देखेंगे लंबे समय तक आपको डिजिटली उतनी मजबूती प्राप्त होगी और आने वाले समय में आप अपने आप को, क्योंकि अब तो हम इतना आगे इसमें मजबूती के साथ, पूरी दुनिया इधर भाग रही है, पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ रही है, यानी हम लोग तो गांव-गांव में, कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, जैसे मॉडल फेयर प्राइस शॉप, ये राशन की दुकानें अब हम मॉडल शॉप के रूप में विकसित कर रहे हैं और वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। वहीं पे आप पूरे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड को अब डिजिटली कर रहे हैं, अब उसमें लेखपाल को जनित लगा के नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस समय के बाद आप देखना वो तो एक जगह बैठ करके ही आप तय कर लेंगे कि आपकी जमीन का कोऑर्डिनेट क्या है और उसी के अनुरूप आपको आपकी जमीन पर कब्जा लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो आपके पास डिजिटली आपके पास एक प्रमाण हो जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम ऐसे ही, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे वह किसी भी अन्य प्रकार के कार्यक्रम, अगर आप यहां से सीखना प्रारंभ करेंगे तो आपको आने वाले समय में कहीं भी मात नहीं खानी पड़ेगी और अभी से उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ करके आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। और तीसरा कार्यक्रम हम लोग यहां पे जो प्रारंभ कर रहे हैं, जो प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, और वह है प्रोजेक्ट अलंकार। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, मैं अक्सर जाता था, देखता था, मैं जिस भी जनपद में जाता था, पुराने विद्यालय जितने भी थे, इंटर कॉलेजेस थे, देखा ना, तीन तीन लोग, महापौर भी, सैजनवा के विधायक भी, महानगर अध्यक्ष भी इस इंटर कॉलेज से पढ़े हुए, लेकिन भवन बहुत जर्जर है। नया भवन हमने 2 साल पहले बना करके तैयार किया है यहां पे, लेकिन हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि पुराने इंटर कॉलेज सब जर्जर थे, आज उनके पास साधन नहीं थे और उनकी हालत खराब थी, और कुछ भवन इतने जर्जर थे कि उनमें पेड़ भी जम गए थे। मेरी सबसे पहले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से भी और जो शासकीय सहायता प्राप्त और शासकीय विद्यालय उनके प्रबंधकों से मेरी अपील होगी कि उन विद्यालयों की नियमित साफ सफाई की व्यवस्था वे लोग किया करें, पेड़ न उगने दें, बरसात के पहले भी और बरसात के बाद भी छतों को साफ करके रखिए, नियमित साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, साल भर में एक बार पुताई लगाई का कार्यक्रम कराना चाहिए जिससे लंबी आयु उस विद्यालय की हो, और वह एक लंबे समय तक, लेकिन 70 साल, 100 साल, 90 साल, 60 साल पुराने विद्यालयों की स्थिति रख रखाव के अभाव में भी जर्जर हो गई थी, और इसलिए हमें भय लगता था ऐसा ना हो कि इसके कारण कभी कोई भवन जर्जर हो जाए, गिर जाए, जनहानि हो जाए, किसी छात्र को, किसी शिक्षक को नुकसान हो जाए। मैंने अक्सर कहा तो मुझे अक्सर विभाग के बोलता था कि साहब इसकी कोई स्कीम नहीं है, मैंने कहा स्कीम नहीं है तो शासन का काम है स्कीम बनाने की, उस प्रकार की नीति बनाने की, और हमने प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत
यह व्यवस्था बनाई है राजकीय महाविद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज में, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में हम पूरा का पूरा पैसा सरकार की तरफ से नए भवन के निर्माण के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। और आज आपका की जिम्मेदारी बनती है कि नए भवन के कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ा करके जब पूरा भवन आपका बन जाएगा तो उसके बाद आप आसानी के साथ अपने नए भवन में जाइए और पुराने जर्जर भवन को, अगर वह हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है तो जो लोग बाहर हैं वे अंदर आ सकते हैं, भीगे मत अंदर आ सकते हैं, अंदर आ जाए बीच बीच में कहीं इकट्ठे हो जाए। तो जर्जर भवन को अगर वह हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है तो उसको हटा करके, और अगर हेरिटेज बिल्डिंग है तो उसको फिर से प्रशासन के साथ संवाद बना करके उसके रख रखाव की व्यवस्था हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी उस प्रकार के उपायों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब शासकीय सहायता प्राप्त शासकीय इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था दी है। उसमें व्यवस्था दी है कि 75% पैसा सरकार देगी और 10-25% पैसा प्रबंधन लगाए। इसमें वे सीएसआर से भी, विधायक निधि से भी, सांसद निधि से भी पैसा ले सकते हैं और उस पैसे का उपयोग वे सबसे पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अच्छे बिल्डिंग बनाने में करें, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाने के लिए उसका उपयोग करें, जिससे अच्छे विद्यालयों का निर्माण किया जा सके और वे लोग उसके माध्यम से उनके अच्छा भवन हम दे देंगे तो भवन अच्छा हो तो स्वाभाविक रूप से कोई भी खतरा फिर नहीं, हम उसमें स्मार्ट क्लास भी दे सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी दे सकते हैं, अच्छी लेबोरेटरीज स्थापित कर सकते हैं, अच्छे कार्यक्रम उसके माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्रदेश भर के पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ यहां से हो रहा है जिसमें 69 विद्यालय तो अकेले गोरखपुर मंडल के हैं जिनको पैसा जारी हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के हर जनपद के गवर्नमेंट कॉलेजेज में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जहां के माध्यम से ये धनराशि उन संस्थाओं को जारी होगी। और मैं इसके बारे में कहूंगा कि सभी विद्यालय इस योजना का लाभ जरूर लें। सरकार पैसा देना चाहती है, जर्जर भवन नहीं होने चाहिए, किसी शिक्षक को किसी विद्यार्थी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और अच्छा भवन बना करके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके इस बात को आगे बढ़ाएं। तीसरा, संस्कृत इंटर कॉलेजेज के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि 90% पैसा सरकार देगी, 10% पैसा प्रबंधन लगाए, वे भी अच्छा भवन खड़ा कर ले। संस्कृत विद्यालयों के लिए भी व्यवस्था अलग से दी जा रही है। यानी एक अवसर है जब हम शासन की योजनाओं का लाभ लेकर के एक नए भारत में, नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा की पद्धति को आगे बढ़ाने में, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू हो चुकी है उसके अनुरूप हमारे भवन भी दिखने चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखना चाहिए, हम भी उसके अनुरूप दिखने चाहिए। आज की इस वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में हमारा युवा भी दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए हमारे युवाओं को अपने आप को तैयार करना होगा और युवाओं को तैयार होने के पहले संस्थाओं को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। आज सरकार कितना अच्छा कार्यक्रम करा रही है, हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ कर दी, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की है और तैयारी भी किस रूप में प्रारंभ की है आप याद करिए, जो बच्चे पहले देश के अलग अलग कोने में परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जाते थे, आज हमने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हमने प्रारंभ की। और अभ्युदय कोचिंग का संचालन कौन कर रहे हैं, जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर के आज सेवा दे रहे हैं, उसमें आईएएस भी है, आईपीएस भी है, पीसीएस भी है, पीपीएस भी है, नीट के माध्यम से बने हुए डॉक्टर भी हैं,
इन सभी लोगों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है और वे लोग एक एक घंटा देते हैं। इसको आप फिजिकली भी और वर्चुअली भी उन क्लासेस को ज्वाइन करके इसका लाभ ले सकते हैं। यानी अभ्युदय की व्यवस्था हो, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। हमने अप्रैल से 25,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटी के अनुदान के लिए उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दी है और साथ ही साथ बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री स्वामी विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ये सभी योजनाओं का जानकारी हमें होनी चाहिए। एक युवा अगर अपना पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलता है, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, स्वयं का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है, तो फिर उसको कहां से सहायता मिलेगी? ये पूरी स्कीम आपको इसके साथ जोड़ेगी और इसीलिए आज मैं आपके पास इन सभी योजनाओं को लेकर के आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया, इस योजना के साथ आप जुड़ने के इच्छुक हैं, योजना के साथ अधिकारी जुड़ करके योजनाओं से आप लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं यहां पर आप सभी लोगों को नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के साथ और नए उत्तर प्रदेश के साथ के जिससे नए गोरखपुर के लिए भी आपको आह्वान कर रहा हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा देश बदल चुका है, दुनिया में सम्मान बढ़ चुका है, देश के अंदर किस तेजी के साथ माहौल बदला है। देश की सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। देश के अंदर आज नौजवान के लिए आजीविका भी है तो देश के नागरिकों की आस्था का सम्मान भी है। ये पहले नहीं होता था, पहले ना युवा के बारे में चर्चा होती थी, ना आस्था की चर्चा कोई करता था, ना सुरक्षा थी, ना समृद्धि थी। देश में असमंजस की स्थिति 2014 के पहले रहा करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो भारत दुनिया की तीसरी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है और याद करना 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसी मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में जब चुनाव के परिणाम चुनाव चलेंगे उस समय हमारा नारा होना चाहिए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। का मतलब 2024 में, जब मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़कर के एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक विकसित होगा, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, भारत सक्षम होगा, समर्थ होगा और भारत का कोई दुश्मन भारत को आंखें नहीं दिखा पाएगा। जो आंखें दिखाएगा तो उसको भी सबक सिखाने का काम करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा कि हम सभी लोग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से इन सभी कार्यक्रमों के लिए जिन विद्यालयों को आज प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत ये शासकीय अनुदान उपलब्ध हो रहा है उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे लोग भी समय समय पर सरकार के जो पत्र आते हैं, जो जियो जारी होते हैं, अगर प्रिंसिपल भी, प्रबंधक भी, अन्य लोग भी उन जियो को पढ़ करके और उसके अनुरूप अपने संस्थान को बनाने का कार्य करेंगे, उसका बड़ा लाभ आपको भी प्राप्त होगा, विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, शिक्षा जगत को प्राप्त होगा और शिक्षा के बगैर किसी देश का कल्याण नहीं हो सकता।
किसी समाज का उन्नयन नहीं हो सकता है। शिक्षा मूल है, विकास की धुरी है, इसके बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। कुछ ही दिनों के बाद होली आएगी। इस समय परीक्षाओं का लोड भी आपके ऊपर होगा। तनाव से मुक्त वातावरण में परीक्षा देने के लिए जाया करिए। याद रखना, जितनी मेहनत की होगी उसका परिणाम प्राप्त करने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अनावश्यक तनाव नहीं लाना चाहिए, एक। और दूसरा, आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। युवाओं का भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, सक्षम है। उसको डिजिटली सक्षम बनाने के लिए सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जिंदगी भर वो जेल के अंदर सड़ेगा। और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।